सपोर्ट नहीं हो पाता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सुबह के प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और सुनीता की ड्यूटी यहाँ पे लग चुकी है अभी, तो सबसे पहले तो किचन से ही स्टार्ट होता है। थोड़ा बहुत सुबह का जो था झाड़ू उड़ू मारना, गेट वगैरह उधर धोना, वो मैंने नहीं दिखाया। वही सब काम डेली जैसे दिनचर्या में होता ना, वही सब। तो अभी सबसे पहले जो है ना, दो रोटियां मैं सेंक रही हूँ बच्चों को खाने के लिए। और अभी आज मैं बच्चों को टिफिन में रोटी नहीं देने वाली हूँ, कुछ अलग दूंगी। उसी का मैं अभी बस तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पर बच्चों को दे दिया है ब्रेकफास्ट हॉर्लिक्स रोटी। ऐसी भी आ गई है मुँह धो के। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी ये चने दाल है, कच्चे वाले चने दाल है, तो उसे मैं यहाँ पे धो रही हूँ। धोने के लिए मतलब कटोरी में डाली, तो ऐसी का ना पहले ही उसको मतलब हिच क्या बोलते हैं उसको मतलब एक होता है ना कि हाँ आज टिफिन में मुझे क्या मिलेगा, तो वो बहुत उसको बेसब्री से इंतज़ार रहता है जानने के लिए। तो वो मुझे पूछ रहे थे बट मैंने बताया नहीं। और यहाँ पे देखिए, मैं आज जो है ना उपमा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे काला वाला सरसों का मैंने डाला है फ़ौरन, साथ ही करी पत्ता डाल दिया, प्याज और एक हरी मिर्च मतलब लाल मिर्च तोड़ कर डाली हूँ। हस्बैंड जी के लिए भी वही बना रही हूँ, तो इसीलिए। और थोड़ा सा मूँगफली के दाने, क्योंकि झाल नहीं रहेगा तो हस्बैंड जी खाएंगे है नहीं। और चना दाल को धो के मैंने यहाँ डाल दिया, दो चम्मच मैंने चना दाल लिया। सभी को थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं सूजी। सूजी को भी थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे सभी चीज़ों को। तो डेली डेली बच्चे एक ही चीज़ ना, रोटी सब्जी भुंजिया रोटी नहीं खाने खोजते हैं, तो आज सोचा कि चलो सबके लिए उपमा ही क्यों ना हम बना दें बच्चों के लिए। और स्वाद के अनुसार मैंने डाल दिया है यहाँ पर नमक, और इसे भी हम थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जब मैं पानी डालती हूँ ना, गैस का फ्लेम हाई कर देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे मिक्स करना है, ताकि ये जो एकदम से जम जाता है ना, वो जमे नहीं, खिले खिले बने। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू चलाएँगे हाई फ्लेम पर। और लक्ष्य खा के चला गया है नहाने के लिए, और ऐसी बेटियाँ यहाँ पे खा रही है। उपमा हमारा रेडी हो गया है, तो मैं ठंडा करके ज़रूर से देती हूँ बच्चों को। गरम गरम कभी भी नहीं देना चाहिए, प्लास्टिक का टिफ़िन रहता है ना तो वो ख़राबी करता है। ऐसी का तो स्टील का है टिफ़िन, तो यहाँ पे जब तक ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे खीरा कट कर लेती हूँ। आज फिर बच्चों को दूँगी मैं खीरा भी, वैन में वो खाएँगे, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही टिफ़िन देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, माफ़ी चाहूँगी, बच्चे थोड़ा सा शोर कर रहे हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो गाड़ी में भी आते हैं, गाड़ी में आने में आधा घंटा लगता है, तो भूख लगती, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा में बिस्किट या तो जैसे कुछ फ्रूट हुआ वो सब दे देती हूँ। थोड़ा हैवी ही मैं टिफ़िन देती हूँ। और यहाँ पे तीनों का देखिए टिफ़िन रेडी हो गया है, बस अभी खीरा मुझे देना है। खीरा हम कट करके डाल देते हैं। तो सुबह साढ़े चार बजे से कुछ इस तरीके से होती है मेरी लाइफ। और एक तरफ से जैसे बच्चों को जैसे गर्मी छुट्टी मिलता है ना, तो थोड़ा सा मम्मी लोग का आदत थोड़ा ढीला पड़ जाता है ना, मतलब लेट उठने का आदत हो जाता है। लेकिन बच्चों को स्कूल का बहाना ही हम जल्दी उठते हैं, उससे हमारा काम भी जल्दी होता है, माइंड भी फ्रेश रहता है, और दिन भर का जो है ना थकान वो थोड़ा सा दूर होता है। क्योंकि सुबह जल्दी उठने से मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, पूरा दिन हमारा जो है ना मस्त एकदम तरोताज़ा रहता है। और वही चीज़ जैसे संडे हुआ, कभी कल बच्चों का छुट्टी रहता है, लेट से मैं उठती हूँ ना 6:30-7 बजे, तो पूरा दिन ना मुझे आलस सा लगता है, बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगता है। तो देखिए बच्चे हमारे दोनों यहाँ पे रेडी है, और एक बच्चा अभी आया नहीं है जो कि पहुँचाने के लिए, तो स्कूटी में जाएंगे। तो चलिए ना टाटा बाय बाय कर देते हैं, और उसके बाद बच्चों को जाने के बाद मैं तुरंत आ जाती हूँ किचन में। और अभी जो है ना आधा रोटी में बनाई नहीं थी मम्मी पापा का नाश्ता के लिए, सुबह सुबह इतना हड़बड़ी में ना नहीं होता। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना बच्चों का टिफ़िन, तीन टिफ़िन, वो सबसे पहले मुझे दिमाग में रहता, तो उसको मैं कर लेती हूँ। बाकी तो घर में हम लोग बाद में भी बना सकते हैं, पहले जो जाना है उनको तो भेजना पड़ेगा ना 6 बजे का पहले, तो इसीलिए यहाँ पे अभी जो बचा हुआ रोटी है उसे मैं बना लूँगी। और आज देखते हैं फिर हम क्या बनाएंगे सब्जी, आज ऐसा कोई सब्जी खाने का इच्छा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दाल रेडी करके चढ़ा देते हैं, और साथ ही मैं यहाँ पे बैंगन ले आई हूँ। तो आज सोच रही हूँ मैं बैंगन का भरता बना दूँ, या तो आप इसे बैंगन फ्राई भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ना, मैं भरता हमेशा कट करके या फिर फ्राई बनाती थी मसाला डाल के, बट मैं जब मायके गई थी ना, तो भाभी के हाथों से खाया गोटा गोटा, वो फ्राई करती है मसाला डाल के, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये जानने का, और बहुत टेस्टी भी लगा खाने का। मैं गोटा गोटा कभी नहीं फ्राई की थी, तो मैं सोच रही हूँ ना आज उसी तरीके से, भाभी के तरीके से मैं ट्राई करके देखूँ कैसा लग रहा। और पता नहीं यहाँ पे ना मैं चक्कू से काटने कब सीखूँगी, मुझे अभी तक समझ नहीं आता। चक्कू से मैं सब्जी कुछ भी कट कर सकती ही नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ बट उसी कोशिश में ना मेरा हाथ छिला जाता।
और चाकू से मैं कट नहीं कर सकती तो हंसुआ से काटती हूँ। तो यहाँ पे सारे बैंगन एकदम मस्त है। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कुछ मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गोलकी का पाउडर, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर दिए, तीखा वाला लाल मिर्च है, और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, एक चम्मच के करीब सरसों का तेल, और सभी चीज़ों को हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे लहसुन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो आयुषी कैसे चिल्ला रही है, बाहर में खेल रही है। तो सभी मसालों को हमें अच्छे से जो है ना बैंगन पर लगा देना है, जिस तरीके से मैंने लगाया है, जिसमें हम कट किए थे ना उसमें, ताकि अच्छे से मसाला अंदर तक जाए। और हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक बार में जितने आए इसे हम कवर कर देते हैं, और थोड़ी ही देर बाद इसे देखिए कितना अच्छा से ये पक चुका है। तो बीच में मैंने इसे पलट दिया था, पलट पलट कर हम इसे अच्छे से पकाएंगे, और देखने में ये कितना लजीज सा लग रहा ना, बहुत ही टेस्टी सा, तो खाने में भी उतना ही ये टेस्टी बना है फ्रेंड। तो आप ऐसे बनाते हैं कि नहीं, बैंगन का भरता या भुंजिया कहिए, बैंगन भाजा ज़रूर बताइएगा, हम लोग बैंगन भाजा बोलते हैं। तो चलिए, बाकी का तीन यहाँ पे हो गए हैं, और बाकी का तीन मैंने चढ़ा दिया है, साथ यहाँ पे दाल भी हमारा हो गया था। तो चलिए हम इसे पंचफोरन से छौंका लगा देते हैं। तो सारा बैंगन भाजा हमारा बनके तैयार है, और दाल पे मैंने एक आलू डाल दिया था। बच्चे कभी कभी ड्रामा करने लगते हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, खास करके लक्ष्य को बैंगन से एलर्जी है, चोखा वो खा लेता है, ऐसे बैंगन भाजा या तो बैंगन पकौड़ा वो नहीं खाता, नहीं तो उसका जीभ पे ना दाने दाने निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आलू का चोखा बना दी हूँ, और यहाँ पर टेस्टी सा हमारा बैंगन भाजा तैयार है, आप लोग भी टेस्ट कीजिए। और यहाँ बेटे के लिए चोखा, और साथ ही यहाँ मसूर का दाल। तो आज का हमारा सिंपल सा लंच है। एक बार आप लोग भी ज़रूर से बना के खाइएगा, और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा। थोड़े से यहाँ पे बर्तन थे तो उसे मैं जल्दी जल्दी सा धो लिया, और कढ़ाई को मैंने निकाल दिया। कढ़ाई जो है ना मेरी, आप देखे होंगे, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो यहाँ बेसिन पे मतलब सिंक पे कढ़ाई इतना अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, जब तक उसे थोड़ा सा मिट्टी वगैरह से ना धोया जाए। तो आप अभी मैं थोड़ा सा बस इसे मेहनत करने वाली हूँ, तब जाके कढ़ाई मेरी चमकेगी, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे गंदे कढ़ाई पर खाना बनाने का। बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो जाती है तब मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर चलिए सिंक उनको हम साफ कर देते हैं, और मतलब किचन का सारा काम पहले हम निपटा देते हैं। हंडा पे मुझे अभी पानी भरना है, तो हंडा पे भी हम नल से पानी ले आएंगे, और जो मैंने कचरा जमा करके रखा सब्जी कट उठ करके उसे हम बाहर डस्टबिन में डाल देंगे, वो हमारा जो है ना खाद होता है। चलिए, किचन का सारा काम हो गया, पानी उन्नी मैंने भर लिया है। अब यहाँ पे मैं जो है ना अपना जुगाड़ ला के यहाँ पे रख रही हूँ, मतलब बाल्टी में पानी है, पीढ़ा है, बैठने वाला को हम लोग पीढ़ा बोलते हैं, और साथ ही मैंने कढ़ाई ले आया। तो यहाँ पे सब चीज़ों को हम रखेंगे ताकि हमें बाद में डिस्टर्ब ना हो। देखिए, धोने के लिए मैंने क्या क्या लिया, थोड़ा सा सरफ है, बालू है, और ये मिट्टी है। तो कढ़ाई देखिए अभी कितना गंदा दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं, पर इसे मैं अभी कोशिश करूँगी चमकाने का। तो सबसे पहले थोड़ा सा बालू डाला है, डिटर्जेंट, सरफ, और उसके बाद मिट्टी, और चलिए हम इसे रगड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कढ़ाई में बताइए खाना बनाएंगे, और जैसे ये अच्छा नहीं लगता है ना, बिल्कुल भी मन ठीक नहीं लगता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी भी जैसे कब हस्बैंड जी का कॉल आ जाएगा, कब वो बुला लेंगे ऑफिस के, आ जाओ काम है, तो फिर मुझे उड़ के जाना होगा, तो इसीलिए उस हिसाब से मैं अपना काम उम जो है ना करते रहती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत लगता है, और जैसे नेट पे भी मैंने देखा ना यूट्यूब में कि वो जो सरफ पानी उबालते हैं, सोडा, सरफ और नींबू का छिलका डाल के, तो वो भी मैं बहुत बार ट्राई की हूँ, बस बट उसमें भी फ्रेंड उतना साफ नहीं हो पाता जितना ये मिट्टी और बालू से जितना आसानी से मतलब होता है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो एक बार में ही देखिए ये काफ़ी हद तक बीच में साफ़ हो चुका है, तो कंटिन्यू मैं इसे अभी उसी तरीके से रगड़ने वाली हूँ। तो अगर आपके पास कोई इजी ट्रिक है तो ज़रूर बताइएगा। इसमें क्या होता है ना, मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और मैं इस हाथ पे ज़्यादा जोर नहीं दे सकती हूँ, ये जो है ना मेरा लेफ्ट वाला राइट वाला जो हैंड है ना, उस
वो मेरा ऑपरेशन हुआ था जो मतलब टांके पड़े हैं हाथों पे, कभी मैं आपको बताऊंगी स्टोरी इसका, तो इसीलिए इस हाथ में मैं ज़्यादा जोर नहीं दे सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दर्द से फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। तो आप देखे होंगे कि टांका लगा होगा जो पीला वाला धागा में बांधे ना जस्ट उसका नीचे, तो हाथ मेरा टूट गया था। अभी नहीं, शादी से पहले बचपन मतलब 7-8 में थी उस टाइम, बट काम है तो करना पड़ता है, जैसे गंदा रहता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मेरा कढ़ाई हो गया साफ और इसे मैं अभी अंदर ले आई हूँ और इसे अच्छे से एक बार हम धो लेंगे लिक्विड से, ताकि जो भी मट्टी वगैरह रहे ना वो सब निकल जाए। और अभी मैं आपको इसका फाइनल दिखाती हूँ पास से कि ये कितना साफ हुआ है। मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, बट जैसे दिख रहा था ना उससे तो बहुत ही ज़्यादा साफ हुआ, बस थोड़ा थोड़ा साइड में रह गए हैं। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में, यहाँ पे बेड वगैरह सुबह ही मैंने ठीक कर लिया था, तो बस मुझे झाड़ू लगाना है और कपड़े मैंने डाल दिए हैं फूलने के लिए। कपड़े धो के सबसे पहले मुझे सुखाने हैं ताकि सूख जाए टाइम से, बच्चों का ड्रेस वगैरह रहता है। और चलिए इसके बाद मैं ब्रश वगैरह करके नहा लेती हूँ और फिर आगे आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए कुछ फूल तोड़ लेते हैं। काफ़ी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है और बाकी सबका तो अभी काट दिए हैं पापा, बस अभी पीला वाला ही बचा हुआ है। पानी देते हैं नल में, वहाँ भर के रखे हैं। इधर देखिए दोस्तों, सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं और धूप बिल्कुल नहीं है, ठंडी मतलब ठंडी हवाएं चल रही हल्की धीमी धीमी। और यहाँ पे बतख सब अपना एंजॉय कर रहे, स्विमिंग पूल में नहाने के बारे सोच रहे और हरियाली हरियाली मौसम, गांव का नज़ारा आप देखिए। और यहाँ पे देखिए नया मेहमान है, बच्चे हुए हैं मुर्गी के। दिक्कत होता है जैसे पूजा वूजा करने से वीडियो थोड़ा सा नहीं हो पाता बाहर, अभी जैसे मैंने पूजा किया, तो चलिए घर में भी अभी हम दिया बत्ती दिखा देते हैं। बाहर में जल चढ़ा दिए हैं तुलसी माँ को, इतना मुश्किल से बताइए ब्लॉगिंग होता है और फिर भी उतना सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और सपोर्ट कीजिए सुनीता को, थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए। तो सुबह तो 4 बजे से मेरी इस तरीके से जो ज़िंदगी शुरू हो जाती है, खुद को मैं इसी तरीके से फिट रखती हूँ फ्रेंड, और टाइम से सब काम हो जाता है। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत टफ होता है ये सारा कुछ, क्योंकि हमें समय से सब चीज़ करना पड़ता है, नाश्ता से ले कर डिनर, मतलब लंच डिनर पूजा पाठ सब चीज़ हमें लेके चलना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सुनीता इसी तरीके से मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का सिंपल सा खाना।